नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका कंबाइंड प्लस चैनल पे। हर व्यक्ति एक बार विदेश यात्रा करने का सपना जरूर संजोता है, लेकिन कई बार संबंधित देश का वीजा नहीं मिलने के कारण वह विदेश यात्रा नहीं कर पाता है। ऐसे में अगर आप भी वीजा के कारण विदेश यात्रा नहीं कर पाए तो यह खबर आपके काम की है। भारतीय पासपोर्ट धारक दुनिया के 16 देशों में बिना वीजा के यात्रा कर सकते हैं। इस बात की जानकारी हाल ही में विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने लिखित जवाब देकर बताया कि वर्तमान में 16 देश भारतीय पासपोर्ट धारकों को अपने देश में वीजा फ्री प्रवेश दे रहे हैं। तो आइए जानते हैं वो 16 देश कौन कौन से हैं। मॉरिशस, भारतीय पासपोर्ट धारकों को मॉरिशस वीजा फ्री एंट्री देता है और यहाँ 90 दिनों के लिए वैध है। मॉरिशस के समुद्र तट की रेत बहुत ही सफेद है, जिसके कारण दर्शक वहाँ भारी मात्रा में आते हैं। मॉरिशस एकमात्र अफ्रीकन देश है जहाँ की 50% से भी ज्यादा आबादी हिंदू है। सर्बिया, सर्बिया दक्षिण पूर्वी यूरोप में एक देश है। इसकी राजधानी बेलग्रेड है। सर्बिया जाने के लिए भारतीयों को केवल पासपोर्ट और फ्लाइट टिकट की जरूरत होती है। समोआ, यहाँ भारतीयों को बिना वीजा प्रवेश की सुविधा है। समोआ अपनी खूबसूरती के साथ साथ लजीज पकवानों के लिए भी जाना जाता है। यहाँ प्रसिद्ध पकवान है पानी पोपो। भूटान, भारत का पड़ोसी देश भूटान पर्यटकों की पसंदीदा जगह है। भारतीयों को भूटान जाने के लिए वीजा की जरूरत नहीं पड़ती है, पासपोर्ट या कोई दूसरी वैध आईडी ही पर्याप्त है। मालदीव्स, द्वीपों का देश मालदीव्स भी भारतीय पर्यटकों को वीजा फ्री यात्रा की सुविधा देता है। इसकी राजधानी माले है और यहाँ का राष्ट्रगान कौमी सलाम है। यहाँ पूर्ण रूप से इस्लाम को माना जाता है। बारबाडोस, बारबाडोस देश प्रकृति की गोद में एक खूबसूरत देश है। यहाँ भारतीयों को बिना वीजा घूमने की सुविधा है। उष्णकटिबंधीय जलवायु वाले इस देश में प्रशांत महासागर में चलने वाली हवाएं वातावरण को शीतल बनाए रखती है। यहाँ की क्षेत्रीय भाषा हिंदी और भोजपुरी होती है। ग्रेनाडा, ग्रेनाडा कई सारे छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बना है। इस खूबसूरत देश में भारतीयों को वीजा फ्री यात्रा की सुविधा है। हैती, हैती कैरिबियन देशों में से एक देश है। ये देश अपनी प्राचीन संस्कृति और परंपराओं की वजह से जाना जाता है। नेपाल, हिमालय की गोद में बसे नेपाल घूमने के लिए वीजा की जरूरत नहीं है। भारतीय नेपाल में बिल्कुल फ्री होकर घूम सकते हैं। सेनेगल, सेनेगल में घूमने के लिए आपको वीजा की जरूरत नहीं है और यहाँ आप 90 दिनों के लिए रुक सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखिए कि आपका पासपोर्ट आपके पहुँचने के तारीख से 3 महीने तक वैध होना चाहिए। न्यूवे आइलैंड, ये जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं है। दूर दूर से लोग इस शांत और खूबसूरत जगह पर छुट्टियाँ मनाने आते हैं। सेंट विसेंट, भारतीयों के लिए सेंट विसेंट वीजा फ्री डेस्टिनेशन है। आप यहाँ 1 महीने तक रुक सकते हैं। हांगकांग SAR, हांगकांग SAR में कई ऐसे दर्शनीय स्थल हैं जिसे देखने के लिए पर्यटक दूर दूर से आते हैं। भारतीयों के लिए यहाँ बिना वीजा घूमने के लिए सुविधा है। डोमिनिका, डोमिनिका भी दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों में से एक है। यह देश कैरिबियन सागर में स्थित है। त्रिनिदाद एंड टोबैगो, पार्टी करने वालों के लिए त्रिनिदाद एंड टोबैगो बेस्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ भी घूमने के लिए भारतीयों को वीजा की जरूरत नहीं है। आप यहाँ 90 दिनों के लिए स्टे कर सकते हैं। यहाँ का सबसे बड़ा शहर चगवानस है। मोंटे सेराट, यह दुनिया के लोकप्रिय देशों में से एक है। अगर आपको रोमांच पसंद है तो यहाँ जरूर जाएं। यह उत्तर अमेरिका महाद्वीप में कैरिबियन क्षेत्र में एक देश है। तो दोस्तों, कोरोना के बाद अब आप विदेश घूमने का प्लान कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।